बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी उज़्ज़मा खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया के चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। यार आज जिस टॉपिक में हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे ना यार, वो होगा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हमने जस्ट करना है मल्टीप्लाई बाय डेसिमल्स, यानी कि हमने डेसिमल्स में जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, वो देखेंगे। अब वो कैसे होता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 69 है, ठीक है। पेज नंबर है बच्चों 69 और क्वेश्चन नंबर देखें 1 है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल कि हमने या तो 10 के साथ मल्टीप्लाई देना होगा, या 100 के साथ मल्टीप्लाई देना है, या फिर 1000 के साथ मल्टीप्लाई देना है। ये सारे मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। सिर्फ इसमें आपके पास 3 मेन वैल्यूज आपने याद रखनी है। जब भी हम किसी भी वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई देते हैं, या 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा सोचें जरा। देखें जब भी बच्चों, यहां पर ये चेक करें, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1.59, यही लिखा हुआ है। और जो डेसिमल है वो कहां पे है, हमेशा जब भी आपसे कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन करे ना कि डेसिमल को हम कैसे चेक करेंगे, क्या डेसिमल हम लेफ्ट साइड से देखते हैं कि राइट साइड से देखते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल यहां पे है 1.59, तो जो डेसिमल है ना वो कितनी वैल्यूज के बाद है, 2 वैल्यूज के बाद है। डेसिमल कहां पे आ रहा है, 2 वैल्यूज के बाद है, यहां से देखना है हमने राइट साइड से। अब मैं फॉर एग्जांपल आपसे, आपको कहता हूं 359.9। अब देखें इसमें आप मुझे बताएं डेसिमल कितनी वैल्यूज के बाद है, तो इसका जवाब क्या होगा, डेसिमल बच्चों 1 वैल्यू के बाद है। राइट साइड से देखते हैं हम, ठीक है। राइट साइड से आपने डेसिमल देखना है कि कितनी वैल्यूज के बाद है, 1 वैल्यूज के बाद है। अब मैं एक और वैल्यू लिखता हूं 1.234। अब मैं यहां से पूछूं, इस क्वेश्चन में पूछूं कि आपके पास यहां पर कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, यहां पर कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, तो आप कहेंगे राइट साइड से अगर हम शुरू करें 1, 2, 3, 3 वैल्यूज के बाद डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल को कैसे चेक करते हैं, राइट साइड से चेक करना है आपने, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जब भी बच्चों आपने किसी भी क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करना है, देखें। अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है ना यार, अगर 1 0 है, अगर आपके पास बच्चों क्वेश्चन में 1 0 है और आपने सारी वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और देखना है 10 में कितने 0 आते हैं, 1, तो आपने ये जो 2 प्लेसेस के बाद था ना, 2 वैल्यूज के बाद था ना ये नंबर डेसिमल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15.9, दैट इज योर आंसर। अब ये कैसे आया, ये देखें अगर 1 0 है ना, अगर 1 0 है तो 1 यहां से आपने यहां पे मूव कर देना, बस। अगर 2 होते तो 2 टाइम मूव करते, जैसे अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, 1 0 था तो 1 डेसिमल को आगे आपने शिफ्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब देखें अब यहां पर क्या है, 2 0 है तो कितनी इसने जंप मारनी है, कितनी जंप मारेगा, 2 वैल्यूज की, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, 4, 8, बस, ठीक है, 2 वैल्यूज की जंप करवा दी आपने, डेसिमल को लास्ट में पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें 1, 2, 3, 3 0 है तो 3 जंप होंगी ना, तीसरी तो वैल्यू तो है ही नहीं। जब आपके पास, अब देखें 4, 3, 7 तो बच्चों आ गया, लेकिन हमने तो तीसरी 3 वैल्यूज जंप करवानी थी ना, तो 1 लग गई, 2 लग गई, तो तीसरी आपने अपनी तरफ से 0 ऐड कर देना है, ठीक हो गया। बात समझ में आई, डी वाला देखते हैं, अगर नहीं ना समझ आ रहा तो जो हम करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 2, इंशाल्लाह तआला उसमें समझ आ जाएगी। इसमें अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक आधा क्वेश्चन, चले मैं ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ कैसे किया मैंने, 2 वैल्यू जंप कैसे करवाई, 248 मल्टीप्लाई किया मैंने 100 के साथ, हाँ ऐसे ही किया ना बेसिकली,
जीरो को एट के साथ मल्टीप्लाई किया जीरो, जीरो को फोर के साथ मल्टीप्लाई किया जीरो, सॉरी इधर आ जाएगा जीरो, जीरो को टू के साथ मल्टीप्लाई किया जीरो। अब देखें मल्टीप्लाई के केस में हम मल्टीप्लाई लगाते थे ना, ऐसे करते थे ना, फिर हम जीरो को मल्टीप्लाई किया एट के साथ तो जीरो, जीरो को फोर के साथ मल्टीप्लाई किया जीरो, जीरो को टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो। यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह ना डेसिमल केस में बच्चों आपने अपनी तरफ से क्या लगाना है, जीरो। ठीक है, ये बॉक्स नहीं वैसे आना, मैंने आपको ये निशानी के तौर पे बॉक्स बना दिया कि यहाँ पर जीरो आता है मल्टीप्लाई के केस में, सॉरी डेसिमल के केस में। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाली वैल्यू है तो यहाँ पर दो आते थे ना, अगर आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन याद हो आते थे ना दो, लेकिन यहाँ पे अब आ जाएंगे टू टाइम्स जीरो, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का केस है। वन एट द वन फोर द वन एट द एट वन फोर द फोर वन टू द टू। ठीक है, अब इसको ऐड कर लें जीरो जीरो एट फोर टू। ठीक है, अब देखें कितनी वैल्यूज़ के बाद डेसिमल है, दो वैल्यूज़ के बाद डेसिमल है। आंसर में भी बच्चों आपने दो वैल्यूज़ के बाद डेसिमल लिख देना है। देखें डायरेक्टली कितना आसान है, अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है तो एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी, अगर आपने डेसिमल करना है तो डेसिमल तरीके से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक जीरो है एक वैल्यू जंप करा दें, अगर दो जीरो हैं दो वैल्यू जंप करवा दें, अगर तीन जीरो हैं तो तीन वैल्यू जब आपने जंप करवाई हैं और तीसरी वैल्यू आपके पास नहीं है तो जस्ट आपने जीरो लिख देना है वहां पर। ठीक है, अच्छा जी, वैसे ये जो है ना की फैक्टर आपको मिल जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों ये आपको मिल जाएंगे आपके पेज नंबर 65 पे, की फैक्टर उन्होंने बताए हुए हैं वो आप रीड कर सकते हैं। डी वाला दो जीरो हैं तो दो वैल्यू जंप करवा दें, जब हम दो वैल्यू जंप करवाएंगे पॉइंट इधर आ जाएगा और यही हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको भाई इक्वल लिख दें, इसको भी इक्वल। ठीक है जी, आंसर आ गया। अब देखें दो जीरो हैं दो जंप करवा दें, थ्री एक जंप ये दूसरा जंप, लें जी आपके पास ये आंसर आ गया। अब तीन जीरो आ गए, तीन वैल्यू जंप करवानी है, थ्री जीरो सिक्स, दो तो हो गए और एक अपनी तरफ से ऐड कर दें। ठीक है, दो वैल्यू जंप करवानी है, इधर आ जाएगा थ्री फाइव फोर, दो वैल्यू जंप हो गई, इसमें एक वैल्यू जंप करवानी है क्योंकि एक जीरो है, एट सेवन पॉइंट थ्री। देखा ना, सिर्फ एक जंप करवाना है तो आपने सिर्फ एक जंप करवा दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसमें कितने जंप करवाने हैं, इसमें हमने दो वैल्यू जंप करवानी है, थ्री वन जीरो थ्री, दो वैल्यू जंप करवाई तो यहाँ पर आ गया डेसिमल। अब इसमें आपने कितनी वैल्यू जंप करवानी है, सिर्फ वन, इधर आ जाएगा फोर सेवन पॉइंट टू। ठीक है, अब इसमें आपने कितनी वैल्यू जंप करवानी है, तीन थ्री फोर टू, अब तीसरी तो है नहीं, तीसरी अपनी तरफ से लगा देनी है, फिर हमने ज़ीरो। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब दो वैल्यू जंप करवानी है तो आंसर क्या आ जाएगा, टू फोर्टी फोर, डेट इज योर आंसर। बच्चों यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं, यार क्वेश्चन नंबर टू क्या है देखें, फाइव पॉइंट थ्री सिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है बच्चों हमने 82 के साथ। अब इसमें उसने एक वैल्यू दी है 82 दे दी है, 12 दे दी है, 34 दे दी है, जो 10 100 और 1000 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना आ गया ना भैया। अगर एक जीरो है तो एक वैल्यू जंप करवा दो, दो जीरो हैं तो दो वैल्यू जंप करवा दें, तीन जीरो हैं तो तीन वैल्यू जंप करवा दें। अब इसको आपने सोल्व करना है। ठीक है, अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है, देखो यहाँ पर ना यार आपके पास वैल्यूज क्या है, 5.36 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 82 के साथ, लें जी हमने ऐसे करवाना है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि ये डेसिमल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 5.36 ये पॉइंट अब नहीं है, 5.36 है और दूसरी जगह 82 है, क्या आप इसको खुद सॉल्व कर सकती हैं ना, कैसे, 6 to the 12 वन कैरी, 3 to the 6 7, 5 to the 10 ऐसे, 6 to the 12 वन कैरी, 3 to the 6 7, 5 to the 10 आ गया। यहाँ पर आप क्या यूज करते थे, वन प्लेस पर, यहाँ पर हम वन प्लेस पर क्या मल्टीप्लाई का यूज करते थे ना, फिर जब ये 10 प्लेस आती थी तो उसके नीचे वैल्यू लिखते होते थे, फॉर एग्जाम्पल 8 6 the 48 4 कैरी, 8 3 the
24, 25, 26, 27, 28, ये देखें 28, फिर 2 कैरी, और इधर आ जाएगा 8, 5 दा 40, और इधर आ जाएगा बच्चों 42, ठीक है। अब देखें 2 है, 7 प्लस 7 14, इधर आ जाएगा 15, 1 कैरी, इधर 9, इधर आ जाएगा 3, और इधर आ जाएगा बच्चों 4, ये देखें। ये तो हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दी, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए, ये हम क्रॉस का साइन यूज करते थे ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। फॉर अब वो क्या है, देखें 6 टू द 12 एज इट इज 1 कैरी, 3 टू द 6 7, 5 टू द 10। आप देखें ये पॉइंट है बस समझने वाला, जो अब मैं करने लगा हूं वो क्या है। यहां पर आपने मल्टीप्लीकेशन की रिप्लेस करना, यहां पर मल्टीप्लीकेशन की रिप्लेस करना, जस्ट बच्चों क्या पुट कर देना है, जीरो। वो इस वजह से क्योंकि ये डेसिमल का केस है, डेसिमल के केस में यहां पर मल्टीप्लीकेशन की जगह आपने जीरो पुट करना है बस। अगर सिंपल मल्टीप्लाई है, अगर डेसिमल नहीं है बीच में तो आपने मल्टीप्लाई यूज करना है, अगर डेसिमल आ गया है तो आपने बच्चों उसकी जगह फिर मल्टीप्लाई यूज करना है बस। ये अपने छोटी छोटी दिमाग में ना ये बात पल्ले बांध लें कि यहां पर मल्टीप्लाई की जगह यहां पर बच्चों आपने जीरो यूज करना है, ठीक है। 8 6 48, 4 कैरी, ऐसे ही है ना, 8 बंदा 8, 8 टू 16, 8 3 24, 24 में 4 ऐड किए 8, और फिर 2 कैरी, ठीक है, 8 5 द 40, 8 5 द 40, और 40 इधर आ जाएगा बच्चों 42 ओवर। जैसे हम इधर प्लस करते हैं वैसे इधर प्लस करना है, इधर 2 एज इट इज, ए 7 प्लस 7 14, 1 15, 1 कैरी, इधर आ जाएगा 9, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 3, और यहां पर आंसर आ जाएगा 4। अब देखें ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था ना, कि मैंने आपको बताया था सिंपल मल्टीप्लाई हो तो आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है, अगर डेसिमल में मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई की रिप्लेस पर आपने जीरो यूज करना है। अच्छा अब देखें, अब इसका डेसिमल कहां पे, लास्ट में। अगर क्वेश्चन में डेसिमल है तो फिर आंसर में भी डेसिमल आना चाहिए, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि यार अगर हमसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो गलत होने की वजह क्या होती है कि हमने कोई ना कोई ऊपर क्वेश्चन में मिस्टेक की है, ठीक है। अब देखें, अब यहां पर कितनी वैल्यूज के बाद पॉइंट है, कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, 2 वैल्यूज के बाद है, और यहां पर तो बेचारा शुरू में ही है ना, यहां पर तो ये हमने काउंट नहीं करना, ठीक है, यहां से काउंट करेंगे, ठीक है। यहां पर कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल है, तो लास्ट में भी आपने ना जस्ट ये 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल लगा देना है, नीचे से राइट साइड से शुरू करना है। अगर हम राइट साइड से चेक कर रहे हैं तो फिर राइट साइड से ही 2 वैल्यूज आपने यहां पर डेसिमल लगाना है, पल्ले बांध लेना ये बात। अच्छा 1.71 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, 2 1 दा 2, 7 2 दा 14, 1 कैरी, 2 1 दा 2 3। अब यहां पर क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई यूज करेंगे कि जीरो यूज करेंगे? जी हाँ, हासुटो अच्छे, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 1 7 दा 1 1 दा 1, 1 7 दा 7 1 1 दा 1। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड क्या करेंगे, 2 एज इट इज 5, 7 प्लस 3 आंसर इज 100, सॉरी 10, 1 और 2। अब देखें, अब यहां पर जो डेसिमल है कितनी वैल्यूज के बाद है, दसो, 2 वैल्यूज के बाद है, तो इधर से भी हम 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगा देंगे, अल्लाह अल्लाह है सल्ला। इधर देखें 4.91 को मल्टीप्लाई करना है 34 के साथ, 3 4 1 दा 4, 9 4 दा 36, 3 कैरी, 4 4 दा 16, 17 18 19, बच्चों यहां पे आ जाएगा 19, और यहां पर क्या यूज करेंगे, 0, ठीक है। अच्छा जी 3 1 दा 3, 9 3 दा 27, 2 कैरी, 4 3 दा 12, इधर आ जाएगा 14 और प्लस, इधर आ जाएगा 4, 6 और 3 9, इधर आ जाएगा आपके पास 8, 8 16, 8 16 17, 1 इधर आ जाएगा फिर आपके पास 6, और इधर आ जाएगा 1। अब देखें कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल है, इधर भी आपने जस्ट 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल लिख देना है, ठीक हो गया। आगे
यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, 3.54 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 18 के साथ। 8 4 दा 8 वन दा 8, 8 टू दा 16, 32, 3 कैरी, 8 फाइव दा 40, 43, 4 कैरी, 8 थ्री दा 24, 4 कैरी किए तो 28। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अब 0, ठीक है। 1 4 दा 4, 1 5 दा 5, 1 3 दा 3, ठीक है। लास्ट में ऐड करना, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 7, और 8 + 3 आंसर आ जाएगा, इतने 8 + 5 आंसर इज 13, 1 कैरी इधर आ जाएगा 6, और कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, 2। तो यहाँ पे भी आपने जस्ट 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल लिख देना है, ठीक हो गया। ई वाले की तरफ मूव करते हैं, 1.23 को मल्टीप्लाई करना है आपने 2 के साथ, 3 2 दा 6, ठीक है, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, लो जी आंसर आ गया। कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल है, 2 वैल्यूज के बाद, लो जी ये चूंगा सा क्वेश्चन है, 2 वैल्यूज के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। यहाँ देखते हैं, 5.49 को मल्टीप्लाई करवाना है 23 के साथ, 9 3 दा 27, 2 कैरी, 4 3 दा 12, 2 कैरी किए 14, 1 कैरी इधर आ जाएगा, 5 3 दा 15, इधर आ जाएगा 16, इधर हमारे पास क्या आएगा, 0, ठीक है। 9 2 दा 18, 1 कैरी, 4 2 दा 8, 9, 5 2 दा 10, ठीक है जी। प्लस करते हैं 7, 8 + 4 12, 1 कैरी इधर आ जाएगा बच्चों, 9 + 7 8, 9 10 नहीं, क्या आ जाएगा, 9 + 7 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इधर आ जाएगा 16, 1 कैरी इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1, और डेसिमल की प्लेस 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल है, तो यहां पर भी 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 2.51 को मल्टीप्लाई करवाना है 89 के साथ, 9 1 दा 9, 9 5 दा 45, 4 कैरी, अच्छा जी 9 2 दा 18, इधर आ जाएगा आई थिंक सो 22, इधर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है जी। 8 1 दा 8, 8 5 दा 40 और 4 कैरी, 8 2 दा 16, इधर आ जाएगा बच्चों 20, ऐड करते हैं इधर आ जाएगा 9, 8 और 5, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 9 10 11 12 13, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2 और इधर भी आ जाएगा 2 आ जाएगा, और डेसिमल की प्लेस 2 वैल्यूज के बाद, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.05 को मल्टीप्लाई देना है 80 के साथ, तो इधर आ जाएगा 0 5 दा 0, 0 0 दा 0, 0 3 दा 0, इधर आ जाएगा आपके पास बच्चों 0, 8 5 दा 40, 4 कैरी, ठीक है, 8 0 दा 0, 4 कैरी किए तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 8 1 दा 8, 2 दा 16, 8 3 दा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको ऐड करना है 0 0 4 4 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक है जी। आई की तरफ मूव करते हैं, 1.46 को बच्चों मल्टीप्लाई करवाना है 61 के साथ, 1 6 दा 6, 1 4 दा 4, 1 1 दा 1, इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0, 6 6 दा 36, 3 कैरी, 6 4 दा 24, 25, 26, 27, 7 और यहाँ पे बच्चों आपके पास 2 कैरी, 6 1 दा 6, इधर आ जाएगा 7 8, इधर प्लस करते हैं इधर आ जाएगा 6 0 1, इधर बच्चों आ जाएगा आपके पास 9 और इधर आ जाएगा 8, लें जी 2 वैल्यूज के बाद आपने डेसिमल लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में 2 वैल्यूज के बाद था, आंसर में भी 2 वैल्यूज के बाद लगा दिया। अच्छा जी 9 1 1 7 को मल्टीप्लाई करवाना है 11 के साथ, 1 7 दा 7, 1 1 दा 1, 1 9 दा 9, यहाँ पर आपने क्या लगा देना है, 0, ठीक हो गया। 1 7 दा 7, 1 1 दा 1, 1 9 दा 9, अच्छा जी 7, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 10, 2 वैल्यूज के बाद आपने डेसिमल लगा देना, लो जी लग गया जो डेसिमल। इधर क्या आ जाएगा, 2.50 को मल्टीप्लाई करवाना है 43 के साथ, 3 0 दा 0, 5 3 दा 15, 1 कैरी, 3 2 दा 6, 7, इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0, अच्छा जी 4 0 दा 0, 5 2 दा 5 4 दा 20, 2 कैरी, 4 2 दा 8 और 10, लें जी
आगे क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 05701, कितनी प्लेस के बाद जीरो आएगा, दो प्लेस के बाद, ठीक है जी। लास्ट वाला क्वेश्चन, हाँ सुटो, अच्छे 13 को मल्टीप्लाई करवाना है 86 के साथ, लें जी 6 3 18, 1 carry 6 1 6 7, 6 4 24, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 0, 8 3 8 1 82 16, 8 3 24, 2 carry 8 1 8 10, 1 carry 8 4 24, इधर आ जाएगा बच्चों 25, प्लस इधर आ जाएगा 8 7 3 11, 1 carry इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 2, कितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल आएगा, दो वैल्यूज के बाद डेसिमल आएगा, ये ले जी। यहाँ पर बच्चों मेरी प्यारी शहजादियों और मेरे प्यारे शहजादों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।